मेरा नाम नेहा है, हम फ्रोनपुर जिला के रहने वाले हैं। 14 तारीख को मैं घर से भागी थी, 17 को हमने कोर्ट मैरिज करी थी, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से कोर्ट मैरिज करी थी। ये रहा उसका पूरा बकायदा प्रूफ, ये रहा। और अगर इसका आपको ये इसका फेक लगा है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, नेहा और आकृति कोर्ट मैरिज हुई है या नहीं। हमारे पास पूरा प्रूफ है, हमें कानून ने पूरा अधिकार दिया है इस चीज का, तो क्यों ना करें। जब एक दूसरे से हम प्यार करते हैं, खुद मेरी फैमिली आ गई थी चंडीगढ़ में, हमारी फैमिली के सामने हमारी शादी हुई थी। मेरी फैमिली जज से 21 मिनट का टाइम मांगा था कि हमें हमारे बेटे से अकेले में बात करनी है। उन्होंने मुझसे बात करते मुझे डराया धमकाया, बहुत टॉर्चर करा कि अगर मैंने आपसे शादी करी तो वो मुझे जान से मार देंगे, उसे जान से मार देंगे। लेकिन मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं जी सकती। मैंने शादी करी, खुद जज साहब ने हमें इस चीज की परमिशन दी, हमारी कोर्ट मैरिज करे, पूरा प्रूफ है हमारे पास। मेरी फैमिली वहां आ गई थी, जब भी वहां फोन नहीं करी थी कि तुमसे शादी मत कर, डराया बहुत धमकाया। मेरा आज से 5 साल का अफेयर, चलो पूरे 5 साल का, अगर तुम विश्वास नहीं करो तो किसी से पूछ लो कि आखिर ने हम कितने साल से अफेयर चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते नहीं करते, पूरा बकायदा प्रूफ है हमारे पास। और क्या कहते बचपन में, मुझे पता है उसकी शादी हो गई थी, उसकी 10 बीवी है, 10 बच्चे हैं उसके, मुझे पता है उसकी बचपन में शादी हो गई थी, मुझे सारी बात पता है उसके बारे में। क्या नहीं पता मुझे, प्यार करती मैं उससे, वो मुझसे प्यार करता है, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। उसकी 10 बीवी 50 बीवी, मुझे कोई फर्क नहीं पता इस चीज से, तो मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, तो इस चीज का तो कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया का रिपोर्ट पता शादी क्या, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को क्या फर्क पड़ा। मुझे ये बात तो पता कि मुझे उसको रखना है, वो मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरी जीवन साथी, फिर मैं क्यों करूँ। और बिना बात अफवाह उड़ा रखी है, 40 लाख रुपए भाग गई, 40 लाख रुपए लेके भाग गई, क्या होती 40 लाख रुपए। मेरी फैमिली का अकाउंट चेक करवाओ, मेरा अकाउंट चेक करवाओ कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरी फैमिली के चेक करवाओ, 40 लाख रुपए लेके भागी। पुलिस से गई थी मैं, मैंने बुलाया था उसे, और मेरा कह रही हूँ उठा कर ले गए, ऐसे उठा कर ले गए वो मुझे, उसका घर इधर मेरा इधर है। अगर मैंने बुलाया था उसे कॉल करके, मुझे ले जाओ, मेरी फैमिली मुझे जान से मार देगी अगर मैंने आपसे शादी नहीं करी तो। मैं प्यार करती हूँ अपने आकिल से, इसलिए मैंने शादी करी। क्या प्रेशर हो तो कौन मुझ पर प्रेशर डालता, मैंने अपनी रजामंदी से ये शादी करी, अपनी खुशी से, मेरा प्यार है वो 5 साल का, मोहब्बत करती हूँ उससे, इसलिए मैंने शादी करी। बस बिना बात उड़ा रखी है, ये वो दंगे फसाद को मचा रखे। अब देखो तुम भी अपने को तराई ना, मैं भी अपने को तरा रही हूँ। दिल्ली आ जाओ, मीडिया के सामने बातें की, पूरा फिरोजपुर क्या पूरा मेवात, पूरा हरियाणा आ जाओ, मैं देखती हूँ कौन मुझे मेरे आकिल से अलग करेगा, कौन मेरे आकिल का मेरा कुछ बिगाड़ देगा। कसम खा के बोलती हूँ, अगर कोई मेरा और मेरा आकिल इतना से बाल बाक कर देना, वो जान दे दूँ मैं अपनी, जान ले भी सकती हूँ, जान दे भी सकती हूँ। अपने आकिल के लिए प्यार करती हूँ, सच्ची मोहब्बत करती हूँ, कुछ नहीं है। तुमको ये प्रॉब्लम है कि वो मेव है, मेव की वजह से तुम्हारे आग लग गई, इसलिए तुम चिढ़ रहे हो कि वो लड़का मेव है। मेव के साथ कैसे बनी एक छोटी शादी कर सकती है बताऊ। अगर आज मेव भी अपने पे उतर आए ना कि कोई बनियों से सब्जी नहीं लेगा, कोई उसे कपड़े नहीं खरीदेगा, कोई उसे राशन पानी नहीं लेगा, साले मर जाए बनिया भूखे, भिखारी बन जाए, भिखारी सड़क पे भीख मांगे। उन जो यहाँ रह रहे ना मेवों की बदौलत से रह रहे हैं यहाँ पे, फिर खाना पानी चल रहा है मेवों की बदौलत से ही चल रहा है, मेवों से इतना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। मैं भी ऑब्जेक्शन कर सकती हूँ कि जाति के ऊपर भेदभाव करते हैं, मुसलमान से चिढ़ रहे हैं ये, बस तुम्हें ये लगा रखा कि उसने वो किडनैप करके ले गया। मैं कोई बच्ची हूँ जो ऐसे किसी के साथ भाग जाऊंगी, ऐसे कोई मुझे किडनैप करके ले जाएगा, मुझ में दिमाग नहीं है। प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, इसलिए हमने कोर्ट में मैरिज करी। अरे पूरा प्रूफ है हमारे पास, मेरी फैमिली प्रूफ है, मेरी फैमिली आई थी वहाँ पे, ऐसे कैसे आप लोग हमारे उड़ा रहे हो कि वो किडनैप करके ले गए। मैं भी तो कह सकती हूँ कि तुम मुझ पर वो कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो। अब कोई बात नहीं होगी आगे, बस तुम दिल्ली आ जाओ, मीडिया के सामने बात आएगी, पूरा फ्रोज पुराएगा, मैं करूंगी, तुम्हें देखती हूँ। और मुझे पता है मेरे बाबा संतराम मेडिकल वाला करवा रहा है सब कुछ, पहले बोल रही हूँ अगर कुछ भी करा ना आपके लिए, उसकी फैमिली को ऐसा केस करूंगी ना कि कोई नहीं छुड़ा सकता, मैं खुद कह रही हूँ ये बात। अब आ जाओ तुम्हें ये है ना कि तुम्हें फैलानी है, धरना देना, दो धरना, मुझे धरने वाले से कोई टेंशन नहीं। और एक बात सुन लो मेरी, कि तुमने ये मचा रखा ना कि हमें लड़की चाहिए, लड़की तो तुम्हें ना, तुम किससे मांग रहे हो, मेरे पास आओ ना, मुझसे मांगो ना, मुझको खुद को मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो, कि पब्लिक को परेशान करने का क्या फायदा है। पहले बोल रही हूँ आपके पास तो ना आ जाऊं और ना कल आऊं, मर जाऊंगी, पर आप लोगों के पास कभी नहीं, अपने प्यार के लिए जान दूंगी, मर जाऊंगी फिर प्यार के लिए, लेकिन आपके पास कभी नहीं। और मेरी मौत का जिम्मेवार कौन होगा, वो संतरा मेडिकल वाला, मुझे पता है वो सब ये कर रहा है, वो ही करवा रहा है ये सब आप लोगों से, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट कर रहा है, खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहा है, हमारा भी। और हाँ पता है तुम्हें ये बात लग रही होगी ना कि वो मोम है तो उसको ये करवाएगा, मुझसे ना अकेले आ सक ये नहीं का, तू नमाज पढ़, तू मीट खा, तू ये कर, तू वो कर। प्यार अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, तुम बिना बात धर्म और प्यार को एक जगह ला रहे हो। प्यार करते हैं एक दूसरे से, धर्म और प्यार के तो बीच में कोई बात ही नहीं आती, तुम लोग खुद ही ये सब उड़ा रहे हो। प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर जो समझदार होगा वो समझ जाएगा,
प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हम दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज तुम भी जियो और हमें भी जीने दो, प्लीज अपनी बेटी को आशीर्वाद दो कि उसने शादी कर ली है, वो खुशहाल जिंदगी जिए, पागलपंती करने से कोई फायदा नहीं है कोई भी, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट।